क्वेश्चन नंबर फोर, मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लेन्स फॉर द एयरफोर्स नेगोशिएट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर न्यू फाइटर प्लेन्स फॉर द कश्मीर बेस। ये देखो कश्मीर बेस, यानी जो प्लेन का जो मैन्युफैक्चरर है, मान लेते हैं बोइंग है, बोइंग ने इंडियन एयरफोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है इंडियन एयरफोर्स को कश्मीर बेस के लिए नए जो एयरप्लेन्स है उसको डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करके देने का, और उसी मीटिंग जो मैन्युफैक्चरर है वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसको अदर कश्मीर के अलावा जो अदर बेसिस है उनके उसमें जो एयरप्लेन्स हमारे जो रहते हैं उसके लिए स्पेयर पार्ट सप्लाई करने का। अब बोला जा रहा है कि इसमें क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन किए जा सकते हैं। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया कि कश्मीर बेस के लिए एयरप्लेन जो है मैन्युफैक्चर करना है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि कश्मीर के अलावा जो अदर बेसिस है उनके जो एयरप्लेन्स हैं उनके लिए हमें स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करवाने हैं। ये दो कॉन्ट्रैक्ट है, दो कॉन्ट्रैक्ट एक साथ ही एंटर हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा तीन चीज़ें और चेक करनी होती है, या तीनों में से कोई एक फुलफिल हो जाए तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। पहली कंडीशन कि एक साथ एंटर, कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट आप एक ही साथ एंटर तो हुए हो लेकिन इनका जो नेगोशिएशन है इनके टर्म्स का वो एज अ सिंगल पैकेज नेगोशिएशन किया गया हो, यानी चलो इसके हम आपको 10,000 करोड़ टोटल दोनों कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ऐसा कोई केस हमने, ऐसा कोई बात है नहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा ये होता है कि एक साथ आपने एंटर तो किया हो लेकिन एक साथ आपने एंटर किया हो और इन, तो पहले वाले कंडीशन में क्या था, आपने दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के जो टर्म्स हैं वो एक साथ नेगोशिएट किए थे, इसमें चलो आप सेपरेटली नेगोशिएट कर लो लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स है वो नेगोशिएट करते समय वो इन्फ्लुएंस होता है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से। सेना कहेगी चलो आप इसके 8,000 करोड़ रुपये ले रहे हो तो चलो आप इसको इसमें हमें थोड़ी सी सब्सिडी दे दो, आप इसमें हमसे 1,000 करोड़ रुपये ले लो, यानी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं नेगोशिएट करते समय पहले कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स से जो कि ऑलरेडी नेगोशिएटेड है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं हो रहा है तो इसलिए हम इसको कंबाइन नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन देखते हैं कि एक समय एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है वो एंटर तो हुए हों और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो वो पहले कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उसी का एक्सटेंशन हो। मतलब अगर सेना यहाँ कह रही है कि आप हमें कश्मीर बेस के लिए एरोप्लेन मैन्युफैक्चर करके दे दो 100, फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में कहती है कि आप हमें 50 एडिशनल दे देना, 50 एरोप्लेन और दे देना, यानी दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गए। बट जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट के जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है सिर्फ उसका एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है, यानी तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल, तीनों में से कोई भी फुलफिल नहीं हो रही है इसलिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए मतलब इसे कंबाइन को, सॉरी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन इसको हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए अकाउंट इनको सेपरेटली किया जाएगा।